चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद परवेश वर्मा को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के आदेश दिए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई का ये ट्वीट देखिए। अब अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था। अनुराग ठाकुर दिल्ली के रिठाला में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, देश के गद्दारों को भीड़ ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीछे तक आवाज आनी चाहिए, फिर से लगवाया नारा। भीड़ ने भी जवाब दिया। मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी इस मंच पर पहुंचे थे। परवेश वर्मा ने क्या कहा था। सांसद परवेश वर्मा ने 28 जनवरी को कहा था कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग में लाखों लोग जमा होते हैं, वो आपके घरों में घुस सकते हैं, आपकी बहन बेटियों से बलात्कार कर सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं, आप लोगों को फैसला करना है। ये रहा चुनाव आयोग का फैसला। इन दोनों नेताओं के बयान के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए थे, कड़ी आलोचना की थी। चुनाव आयोग ने सवाल पूछे। अब चुनाव आयोग ने बीजेपी के अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा अभी भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में उनका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा। अनुराग ठाकुर को जवाब देने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया गया है। यह आदेश चुनाव प्रचार रोकने के लिए नहीं है। खैर, चुनाव आयोग जवाब देखने के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला देगा। परवेश वर्मा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद आज तक से बातचीत में कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब हम दे देंगे, हम दिल्ली में कैंपेन करेंगे और कैंपेन अब और भी तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ विज्ञापन के जरिए वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, आप लोग विज्ञापन देकर वोट मत डालिए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी आदित्य ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।